Hello guys and welcome back to my channel of YouTube. तो guys आज का ये वीडियो है मेरे Porsche 911 Carrera स्केल मॉडल की रेस्टोरेशन के ऊपर. तो जैसे कि मैंने बताया था तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने एक बहुत ही पुरानी स्केल मॉडल में रेस्टोरेशन का काम शुरू किया था जो था 1993 की Porsche 911 RS अमेरिका या फिर Carrera स्केल मॉडल. तो ये कार बनाया गया था सुपर रियर सनी साइड SS5303 नाम की कंपनी ने. तो गाइस SS5303 असल में कार के मॉडल कोड है. तो जैसे कि मैंने बताया था उस कोड के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था जो कार के नीचे लिखी हुई थी ये कोड. तो मैंने फिर इंटरनेट में से किया और फिर मुझे पता चला कि ये जो कंपनी है सुपरियर सनी साइड ये कंपनी अपनी हर किसी मॉडल कार्स में ही एक कोड देती है जो असल में कार की एक इंटरनल कोड होती है. हर कार में डिफरेंट कोड होती है जैसे कि SS इस वाली कार में जैसे SS5303 है. अगर कोई दूसरी जैसे कि वॉक्स वैगन डिटेल होगा तो चलिए उसमें SS57 होगा या कुछ इस तरह की दूसरी नंबर्स होती है. मैंने इंटरनेट में काफ़ी सारे ऐसे नंबर लिखे हैं. मैंने नंबर्स को इतनी नोटिस नहीं किया है वो नंबर कैसी है लेकिन हर एक एक कार्स में डिफरेंट नंबर होती है और ये कार की असल में एक इंटरनल मॉडल कोड है. तो गाइस चलिए मूव टू द टॉपिक. तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कार का जो फुल बॉडी वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और कार फुल्ली रीपेंट भी हो चुका है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में कार में जब हेडलाइट्स वगैरह टेल लाइट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन अब आप देख सकते हैं किस किस जो सारी की सारी लाइटिंग की काम है सब फिट हो गई है ये सब देख रहे हैं. तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इन हेडलाइट्स को इतनी नए जैसा कैसे बनाया. तो गाइस ये वही पुरानी हेडलाइट्स ही है जो कार में ओरिजिनल लगी हुई थी. मैंने इन्हें वापस रिकॉर्डेड कर दिया यानी जो रिफ्लेक्टिंग फिल्म होती है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये हेडलाइट ही नहीं हर किसी लाइट आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं कितनी फ्लॉस कर रही है. आई थिंक कैमरे में कलर इतनी बेटर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा और ये दिख रहे हैं ये विंडोज़ वगैरह भी कितनी अच्छी तरह से चमक रही है. तो गाइस ये वही पुरानी विंडोज़ ही है जो कार की ओरिजिनल एक्सेल विंडोज़ थी जिसे मैंने पूरी तरह से दिख रहे हैं कितनी ग्लिटर शाइन है इनमें. तो इन्हें मैंने रेडियम ब्लैक कलर की रिफ्लेक्टिंग फिल्म में कोट कर दिया. तो गाइस ये तो कोटिंग है ये असल में बहुत ही स्पेशल कोटिंग है बहुत ही महंगी कोटिंग होती है. ये स्पेशली अस्थि कार्स में लगाया जाता है. आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर कार्स में जब कोई मॉडिफिकेशन का काम होता है तो ये वाली लगाया जाता है और ये वही वही सेम फिल्म है जो मैंने इन कार में लगा दी है. तो ये नॉर्मल ब्लैक नहीं है आप देख सकते हैं इनमें थोड़ी ये ग्लिटर साइन है. ये ग्लिटर साइन सिर्फ जब इनके ऊपर फ्लास पड़ती है लाइट की तभी दिखाई देता है. अगर इनमें ज़्यादा फ्लास नहीं पड़ेगा ये देखिए ये देख रहे हैं अभी ज़रा फ्लास नहीं पड़ी है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप देखिए कुछ काफ़ी सारी स्पेशल मॉडिफिकेशन की है मैंने कार में. और ये वाला हिस्सा देख रहे तो ओरिजिनल कार में मतलब ये वाला जो हिस्सा था वो कुछ इस तरह से आता था जबकि इस वाले मॉडल में ये वाला हिस्सा ये जो पिलर था कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट था. ये तो ओरिजिनल कार में ऐसा था लेकिन इस वाले में ज़्यादा स्ट्रेट था तो इसलिए मैंने इसे ये सेम कलर में ब्लैक कर दिया. ये सेम फिल्म से मैंने इसे रेपिंग कर दी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जो है ये पिलर एक किसी भी तरह दूर से दिखाई नहीं रहा है कि इसकी पोजीशन रॉन्ग है. और अगर मैं चाहूँ तो इसकी विंडोज़ को वाइट रख सकता था लेकिन मैंने विंडोज़ को वाइट इसलिए नहीं रखा कि जो विंडोज़ था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से वॉर्न हो गई थी क्योंकि जो उसकी रिफ्लेक्शन थी चाहे मैं जो भी कोशिश कर रहा था वो रिफ्लेक्शन कभी भी वापस नहीं आता. तो चलिए मैंने आपको खोल कर दिखा देता हूँ. तो ये देख रहे तो यहाँ से ये सब हिस्सा मोड़ दी गई है और ये देखिए ये अंदर से वाइट कलर की है जबकि इस तरफ से ब्लैक. ये देखिए कितनी कूल दिख रही है. तो चलिए इसे यहाँ रख देते हैं. तो अब बारी आती है इंटीरियर की. तो जैसे कि मैंने बताया था इसकी जो तो इंटीरियर थी ओरिजिनली असल में एकदम ओरिजिनल फैक्ट्री में ये कलर ग्रे कलर की आती थी जैसे देख रहे हैं कुछ इस तरह की कलर में जिसे मैंने बाद में ब्लैक कलर कर दिया था और उस ब्लैक कलर की करने की वजह से कार की जो कोटिंग था मतलब इंटीरियर पूरी तरह से वॉर्न हो गई थी. तो इसलिए मैंने इस इंटीरियर को पूरी तरह से रेड कलर में रीपेंट कर दिया. तो देख सकते हैं इसकी जो साइन एकदम बढ़िया है ये एकदम ब्रांड न्यू कलर है. मैंने इसे अभी भी रीपेंट की है. तो गाइस इस इंटीरियर को वैसे रीपेंट करने में मुझे तकरीबन 3-4 दिन लग गए हैं क्योंकि अब जानते हैं इसकी जो कलर है पूरी तरह से ब्लैक कलर को कवर करके इन्हें रेड बनाना वाकई में काफ़ी मुश्किल काम है. तो गाइस इस इंटीरियर में टोटल 5 से 6 बार पेंट कोट हुई है क्योंकि इसकी जो कलर है अंदर वो ब्लैक थी तो इसलिए उसे वापस मतलब उसे कम्प्लीटली रेड कलर में कन्वर्ट करना वाकई में मुश्किल है ये बात आप जानते हैं. तो इनमें टोटल 5-6 कोट पेंटिंग की गई है जिसके बाद ही आपको ये
ये मेटेलिक रिफ्लेक्शन मिल रही है, तो आप देख सकते हैं इसके जो, तो इसके जो ये सीटें हैं ये ओरिजिनल, ये मूवेबल सीट है, उस ज़माने में इन स्केल मॉडल्स में ओरिजिनल ही ये सीट मूवेबल आता था, यानी कि कंट्रोलेबल। ये देखिए ये कुछ फीचर्स जो मुझे कार के सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी, मतलब एक ऐसी पुरानी स्केल मॉडल में इतना काम आखिर क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस असल में जब एक व्हीकल आपके पास काफ़ी समय से होती है, तो भले वो कोई असली व्हीकल हो या फिर टॉय व्हीकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी व्हीकल हो जब आप काफ़ी सालों से आपके पास होती है, तो उसके साथ आपका एक इमोशनल रिलेशन आ जाता है, जो फिर बाद में जितने साल बीत जाए वो इमोशनल रिलेशन आपके कार से कभी भी नहीं जाती है। मतलब आप हमेशा कार को उसी नज़रों से देखते हैं जो आप शायद 30 साल पहले देखे थे या 40 साल पहले। भले ये कार तो मैंने इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ इस कार के साथ भी मेरा हुआ है। ये कार मुझे तकरीबन 8 साल पहले मिला था, और इस कार के साथ काफ़ी सारे यादें भी जुड़ गई है, तो इसलिए मैं शायद जो भी नई कार्स खरीद लूँ, ये बट आप जानते हैं पुरानी कार से इंटरेस्ट कभी नहीं जाती है। तो इसीलिए जब मैं इस कार में आप काम कर रहा हूँ, तो मुझे फीलिंग नहीं हो रही है कि मैं किसी टॉय व्हीकल में काम कर रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग हो रहा है कि असल में मैं एक एक्चुअल व्हीकल में काम कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं किसी असली व्हीकल में काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं इस कार को जितना हो सके उतना परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसी कार्स अब खुद जानते कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। तो गाइस उससे पहले कि कार पूरी तरह से असेंबल हो जाए, और साथ में आपको एक और व्हील की चीज भी मैं आपको दिखाना भूल गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो क्रोम थी, तो क्रोम हब की थी उन्हें मैंने निकाल दिया है, सार को निकाल दिया, ये देख रहे हैं, और जो ये वाला हिस्सा था उन्हें ब्लैक कलर कर दिया है इसे परमानेंट मार्कर से। तो अब इसके ब्लैक कलर के करने से थोड़ी देखने में कूल दिख रही है। तो गाइस वैसे फिलहाल तो ये व्हील्स बस टेम्पररी है, मैं जितना हो सके उतनी जल्दी मैं एलॉय व्हील्स डालने की कोशिश करूँगा, वेल अभी नहीं, लेकिन जितना हो सके उतनी जल्दी मैं कहीं से ऐसे सेम साइज़ की एलॉय व्हील्स ढूंढने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझे कहीं भी एलॉय व्हील्स नहीं मिला, तो मैं कहीं से कोई पुरानी विंटेज स्टाइल की क्रोम व्हील्स भी ढूंढ लाऊंगा जो फिर इस कार में फिट हो। तो फिलहाल के लिए तो ये व्हील्स ही काफ़ी है, लेकिन मैं बाद में इन व्हील्स की अपडेट करूँगा। और साथ में ये जो स्पॉयलर है आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह से रीपेंट की गई है, तो ओरिजिनली कार में ये स्पॉयलर एकदम ब्लैक थी, फुल ब्लैक, मतलब एक तरह से एकदम प्लास्टिक की थी, कोई भी पेंट नहीं रहा उसके ऊपर। ये देख रहे हैं ये ओरिजिनल कलर थी, जिसे मैंने पूरी तरह से रीपेंट कर दिया है इस सेम ब्लू कलर में, ये देखिए। तो इसे जल्दी से फिट करके देखते हैं। वाओ मैन, तो देख रहे कितनी कूल दिख रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर ओरिजिनली ये स्पॉयलर ब्लैक कलर की थी, तो मैंने इसे बॉडी कलर क्यों कर दिया, क्योंकि मैं इस कार को ओरिजिनल रखना चाहता था, तो फिर मैंने इसे ब्लू क्यों कर दिया। तो गाइस क्योंकि कार के तो ओरिजिनल जो स्पॉयलर की जो ब्लैक कलर थी वो तो ज़्यादा खास नहीं लगी, और वो साथ में बहुत ज़्यादा वॉर्न भी हो गया था। मैं चाहूँ तो उससे इस तरह की रैपिंग करके उसे ब्लैक कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा शायद ब्लैकिंग ब्लैक इतना कूल नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैंने इसे रीपेंट कर दिया है। तो इस स्पॉयलर में रीपेंट हुई है तकरीबन 3 बार, क्योंकि आप जानते हैं इसे भी, ये भी ब्लैक कलर की थी, तो इसे भी इस तरह से ब्लू कलर में पेंट करना काफ़ी मुश्किल था। तो ये अंडर का हिस्सा मैंने ब्लू नहीं की है, क्योंकि तो वैसे भी अंडर ही होगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे ये वाला जो लाइन है उसे भी मैंने पेंट नहीं की है, बस ऊपर ऊपर से पेंट कर दी गई है, तो अंडर में अभी धूल वगैरह अभी भी है, लेकिन मैं उन्हें बाद में साफ़ कर दूंगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रिल है, इसे भी मैं बाद में ब्लैक कलर कर दूंगा, और जो साइड की सेक्शन है उन्हें मैं ब्लैक कलर कर दूंगा, क्योंकि ओरिजिनल कार में जो स्पॉयलर थी वो मतलब 20 से बॉडी कलर आ रहा था, जबकि साइड से ब्लैक कलर की थी। तो कुछ सोचते हैं कि लुक की मैं इस कार में देने की सोच रहा हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ वेल अगर मैं साथ आ, तो इस कार में जो ओरिजिनल जो करेरा वाली स्पॉयलर थी, आई एम सॉरी करेरा वाली जो ग्रिल थी, मैं साथ उससे यहाँ पर फिट कर सकता था, लेकिन मैं कार के ओरिजिनल लुक ख़राब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने स्पॉयलर वापस रीअसेंबल करने की प्लान किया। तो फिलहाल मैंने कार के लिए एक और स्पेशल थिंग भी सोची है, वो ये है कि यहाँ पर अगर कुछ ऑरेंज कलर की स्ट्राइप्स दे देंगे, जिसमें ब्लैक या सिल्वर कलर की बॉर्डर होगा, तो फिर कार काफ़ी कूल दिखेगा। मैंने इंटरनेट में काफ़ी सारे ऐसे कार से की है, मतलब एक एक्चुअल पोर्स 911, और फिर मुझे वही से ही ये डिज़ाइन मिला। चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। हाँ तो ये वो डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रहा था। ओ आई थिंक कैमरे भी इतनी अच्छी तरह से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, जरूर देख सकते हैं कि कार की जो कलर है वो एक सेम यही ब्लू है जो मैंने कार में की है, और इसके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑरेंज स्ट्राइप्स है बम्पर में भी की गई है, सामने एक गोल्फ लिखी एक साइन है, या साइड में भी कुछ रेसिंग डिकल्स है। अब मैं रेसिंग डिकल्स तो कार में लगाने की सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन और ये जो व्हील्स आप से जो ऑरेंज है 20 की रिम ऑरेंज है, जबकि बॉर्डर सिल्वर कलर की है, मैं इन व्हील्स के साथ भी कुछ वैसा ही करने की सोच रहा हूँ।
कार को पूरी तरह से कुछ इस तरह के लुक देने की सोच रहा हूँ, तो शायद आई थिंक कूल होगा। तो सब देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम डिज़ाइन की काफ़ी सारे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब देखिए सब सेम स्टाइल की है, सेम मॉडल की पोर्श है। ये देखिए यहाँ पर एक नई वाली 911 भी है। तो देखिए तो आपने देख लिया, मैंने जो डिज़ाइन आपको बताया था वो वही है, मैं कुछ उस डे की डिज़ाइन इस कार में करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे तो कार के लुक है वो और ज़्यादा एनसेंस हो जाएगा, यानी कि और कूल हो जाएगा। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर तो ऑलरेडी अब फल पूरी तरह से रिपेन हो गई है, तो इस इंटीरियर में मैं कुछ ज़्यादा तो चेंज नहीं करवाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इनमें अगर हो सके तो मैं रेड कलर की वेलवेट कोटिंग हो सकता है कि मैं इसमें कर दूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि रेड कलर की वेल्डिंग मतलब वेल्विंग शायद, मतलब आप जानते हैं इतना मतलब इतना आसान नहीं है उन्हें करना, लेकिन फिर भी मैं ऐसा हूँ तो इनमें यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर वेलवेट इनमें भी वेलवेट लगा सकता हूँ। वेलवेट कोटिंग से क्या होगा कि इसकी जो इंटीरियर होगी वो और ज़्यादा कपड़े की बने हुए जैसा लगेगा, जो फिलहाल मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे करूँगा या नहीं नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करने की। और कुछ और डिटेलिंग भी जैसे कि यहाँ पर ये सब बॉर्डर्स वगैरह सब क्रोम डिटेलिंग वगैरह और कुछ, और इसकी जो बॉडी की रिफ्लेक्शन है मैं उसमें थोड़ी और पॉलिश कर दूंगा ताकि कार देखने में और शाइनी दिखे, सब साइड मिरर्स वगैरह सब कुछ। डैशबोर्ड में मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि डैशबोर्ड ओरिजिनली कूल है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ओरिजिनली अच्छी कंडीशन में है, तो ये सब आप देख सकते हैं। जैसे स्पीडोमीटर्स वगैरह इन्हें मैंने काफ़ी साल पहले ही व्हाइट कलर कर दिया था, तो ओरिजिनली कार में ये सब चीज़ें व्हाइट नहीं था, सब सब सेम कलर की थी। तो ये जो आप देख सकते हैं इसकी जो डैशबोर्ड है इसे भी मैंने कुछ साल पहले रीपेंट करवाया था, तो ये डैशबोर्ड वैसे ओरिजिनली भी ब्लैक कलर की ही थी, लेकिन मैंने इसे बाद में एक और बार रीपेंट करवाया था। अब मुझे मेरे ख्याल से डैशबोर्ड फिलहाल अच्छी कंडीशन में ही है, आप देख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस डैशबोर्ड में और कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो चलेगा आज अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कार में और क्या क्या चेंजेस किया, क्या कुछ मॉडिफिकेशन किया, क्या कुछ नए पार्ट्स लगाया। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओ हाँ, तो वीडियो को एंड करने से पहले क्यों ना कार की एक और छोटी सी रिव्यू ले ले। हाँ